हे गाइस, मैं हूं विभा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और सुबह के बज गए हैं 9, तो अब मैं जा रही हूं कुछ नाश्ता बनाने। और सुबह का नाश्ता थोड़ा सा हैवी रहता है, तो आपका पेट फुल रहता है और आप अपने काम में मन लगा पाते हैं, तो इसलिए आज मैं बनाने जा रही हूं प्याज के पराठे। तो चलिए शुरू कर देते हैं और किचन में चलते हैं। पराठों में डालने के लिए मैंने प्याज छोटा छोटा काट लिया है और इसमें थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा भुना जीरा। बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डालनी है, आप चाहें तो थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और बस डाल के इनको अच्छे से मिला लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, क्योंकि पराठों में आटे में नमक इसी का जो इसमें नमक हम डालेंगे वही पराठों में मिक्स होगा। तो नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए और बस इसको थोड़ी देर मैरिनेट करके रख दीजिए, क्योंकि प्याज बहुत टाइट होते हैं और अगर आटे में ऐसे हम गूंदते हैं तो फिर वो प्याज निकलने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर, 2 मिनट 4 मिनट आप अगर इनको रख देंगे तो ये थोड़े से मुलायम हो जाएंगे और अच्छे से गूंद जाएंगे और आपके पराठे से इधर उधर भागेंगे भी नहीं। तो बस सारा मसाला मैंने मिला लिया है, अब इनको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, फिर आटा गूंदेंगे। यहाँ साथ ही साथ मेरी चाय भी तैयार होती जा रही है। आप चाहें तो आटे में थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं मोयन के लिए, लेकिन इसकी ज़रूरत होती नहीं है। ऐसे ही पराठे अच्छे मुलायम बनते हैं और अगर तुरंत खाना है तो कुरकुरे पराठे से किए और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ आटा मेरा गूंद चुका है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा हाथ में ऑयल लेके लगा के थोड़ी देर रख देंगे और बस फिर पराठे बेल लेंगे। और जैसे पराठे बनते हैं बस थोड़ा थोड़ा सा घी चाहें तो आप घी लगा सकते हैं और तेल चाहें तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा तेल लगा के आपको इनको कुरकुरा सेक लेना है। और ये देखिए गर्मा गर्म पराठे तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो इसको दही के साथ खाइए, चाहे तो चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, और क्योंकि इसमें नमक और मसाले पड़े हैं तो आप चाहे तो ऐसे ही चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अभी मैं व्लॉग वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, और तबीयत तो थोड़ी थोड़ी ठीक भी हो गई है लेकिन मन अभी वहीं रिपोर्ट्स पे अटका हुआ है जो कि कल मिलेंगी। तो उसके बाद अगर सब कुछ अच्छा रहा, आई होप सब अच्छा ही होगा, तो फिर मैं अपने काम पे लग जाऊँगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी, करना स्टार्ट कर दूँगी। और फिर वही बात जो मैं बार बार दोहराती हूँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। थैंक यू सो मच। मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिलेंगे। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। Thank you so much.